मैम कर्कुएस सिर्फ हमारे अमाइनो एसिड्स का है ना, प्रोटीन्स वाला इंक्लूड है कि नहीं है? अमाइनो एसिड्स तक है आप लोगों का बेसिकली, जिसमें यहाँ तक आप लोगों का आ जाएगा बेसिकली, ये मेटेलो प्रोटीन्स और ऑल दैट। ये वाला पोर्शन आप लोग नेक्स्ट फ्यूज के लिए भी रख सकते हो। अमाइनो एसिड्स की क्लासेस मैम सिर्फ अमाइनो एसिड रहने दें, ये रहने दें। ठीक है, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स जो है वो उसके बाद वाले क्विज में कर लेंगे। ओके फाइन, चलो ठीक है, सो थैंक यू मैम। इट्स ओके। इन लास्ट लेक्चर वी वर स्टडिंग अबाउट पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली जो पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई किया था कि बेसिकली अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज आर द मोनोमर्स जिनकी पोलीमराइजेशन से हमारे पास पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं। सो वी मस्ट हैव एन आइडिया कि ऐसा कौन सा बॉन्ड है, ऐसा कौन सा लिंकेज है जिसके थ्रू एक अमाइनो एसिड जो है वो नेक्स्ट अमाइनो एसिड के साथ लिंक होगा या पोलीमराइज होगा। सो बेसिकली वी नो यस पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स दे कंटेन मल्टीपल अमाइनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल अगर पेप्टाइड्स की बात करते हैं तो दे कंटेन 50 और लेस देन 50 अमाइनो एसिड्स, और प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स का जो काउंट है वो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है, इवन थाउजेंड तक वो जा सकता है। सो प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ द पोलीमर इन विच यू हैव अ वेरी बिग काउंट ऑफ अमाइनो एसिड, फॉर एग्जाम्पल 50 और मोर देन हंड्रेड ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर द पार्ट ऑफ प्रोटीन। सो पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स के अंदर यहाँ से हमने एक चीज आइडेंटिफाई की थी कि दे आर द पोलीमेरिक फॉर्म ऑफ द अमाइनो एसिड्स, और इनके अंदर जो पोलीमर है उस पोलीमर को बनाने के लिए जो बॉन्ड है दिस बॉन्ड इज एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि आपके पास एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप एंड द सेकेंड अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है उनके दरमियान कंडेंसेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बाद ये बॉन्ड जो है ये बनेगा। एंड दिस सी एंड एन बॉन्ड इज बेसिकली द मेजर लिंकिंग फोर्स, यू कैन से दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द फोर्स जिसके थ्रू आपके जो दो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि इंडिविजुअली या सेपरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है वो अब इन द फॉर्म ऑफ डाइपेप्टाइड प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर आपका ये डाइपेप्टाइड फर्दर किसी थर्ड अमाइनो एसिड के साथ जो है वो लिंकेज डिवेलप करता है तो दिस विल बी ट्राइपेप्टाइड। सो दिस इज द बेसिक फोर्स और द बेसिक बॉन्ड जिसकी वजह से जो मोनोमेरिक फॉर्म है जो अमाइनो एसिड्स हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द पेप्टाइड्स एंड देन इनटू द प्रोटीन्स। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि आप लोगों को ये चीज इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी बॉन्ड बन भी सकता है और बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है, लेकिन हाइड्रोलिसिस हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होती है। यानी अगर आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली एक वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है कि आप वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे और दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसे ब्रेक कर देंगे, बल्कि इसके लिए यू नीड एन एंजाइम, बिकॉज इस रिएक्शन के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है दिस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इज सिग्निफिकेंटली हाई। सो इफ यू वॉन्ट टू हाइड्रोलाइज द प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एंजाइम्स की जरूरत है, एंड द नेम ऑफ दीज एंजाइम्स आर प्रोटीएसेस। सिमिलरली आप लोगों को अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स का काफी हद तक अब आइडिया हो गया होगा क्योंकि आप लोगों ने असाइनमेंट भी की है। सो आप लोगों को ये चीज भी पता होनी चाहिए कि अगर आप लोगों को डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड पेंटा या फिर उससे ज्यादा तीन से चार या पांच अमाइनो एसिड्स के बारे में कहा जाता है कि इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड ड्रॉ करें तो अलॉन्ग विद देयर स्ट्रक्चर्स आप लोगों को इस तरह से डाई ट्राई टेट्रा एंड पेंटा पेप्टाइड ड्रॉ करना आना चाहिए। सो ये आप लोगों ने जब नेक्स्ट प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स का क्विज होगा तो उसमें इस तरह से अपनी एक प्रैक्टिस करनी है कि टू और द थ्री अमाइनो एसिड्स कोई से भी अमाइनो एसिड्स लेके उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड ड्रॉ करना है, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अमाइनो एसिड्स के सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप दे आर द पार्ट ऑफ दिस बॉन्ड। जो साइड चेन रेजिड्यूज हैं या जो साइड चेन में एलिमेंट्स हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड में किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते। नेक्स्ट हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि हमेशा अमाइनो एसिड रेसिड्यूज और पेप्टाइड बॉन्ड्स में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है दैट इफ यू हैव एन एन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड तो आपके पास जो काउंट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स होगा इट विल बी एन माइनस वन, बिकॉज हमेशा दो अमाइनो एसिड एक बॉन्ड के थ्रू लिंक करते हैं। इट मीन्स इफ यू हैव थ्री अमाइनो एसिड तो उनके दरमियान दो पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, इफ यू हैव फोर अमाइनो एसिड तो उनके दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं दे विल बी थ्री। After the polymerization, like one amino acid is going to make a bond with the second, third and fourth amino acid, when we will have a polypeptide chain, तो हम ये चीज observe करेंगे कि इस polypeptide chain में दो specific ends हैं
एक एंड के ऊपर वी हैव अ स्पेसिफिक अमाइनो ग्रुप. इसको मैं स्पेसिफिक इसलिए कह रही हूँ बिकॉज दिस अमाइनो ग्रुप इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी पेप्टाइड बॉन्ड. ये अमाइनो ग्रुप जो है ये फ्री है. सो प्रोटीन को हम फर्दर उसके दो एंड्स को नेम कर सकते हैं, उसके जो दो एंड्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. द फर्स्ट एंड ऑफ द प्रोटीन वेयर अ फ्री अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड एज द एंड टर्मिनस. सिमिलरली द एंड ऑफ द प्रोटीन वेयर यू हैव अ फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज द सी टर्मिनस. सो ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को हेल्प करने में या प्रोटीन के जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको एनालाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आप यहाँ से बता सकते हैं कि आपके जो एंड टर्मिनस है वहां पे सेकंड अमाइनो एसिड रेसिड्यू दिस वन है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 500 अमाइनो एसिड हैं और आपको ये बताया जाए कि इसमें फॉर एग्जांपल 267 पोजीशन के ऊपर सपोज एक हिस्टिडीन प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि अमाइनो टर्मिनस पे आपका जो अमाइनो एसिड होगा उसको हमेशा हम फर्स्ट अमाइनो एसिड कहते हैं. हमेशा जो अमाइनो एसिड्स की नंबरिंग है वो उसके एंड टर्मिनस से स्टार्ट की जाती है. तो आप एंड टर्मिनस से अमाइनो एसिड्स को काउंट करते करते 267 पोजीशन के ऊपर जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है. यानी आप लोगों को हमेशा जो है वो प्रोटीन के इन एंड्स का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एंड जो है वो एंड टर्मिनस है और कौन सा एंड जो है वो सी टर्मिनस है. इसके बाद हम जो उनके दरमियान में अमाइनो एसिड्स होंगे उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. मैम हर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर पहला ही एंड टर्मिनस हो गया? हाँ जी, हमेशा जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसका अमाइनो ग्रुप फ्री होता है, तो जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है वहां से हम उसको स्टार्ट करते हैं कि ये वाला टर्मिनस इसका एंड टर्मिनस और लास्ट वाला सी टर्मिनल होगा. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है, सही है. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये चीज कही थी कि अमाइनो. हाँ जी, पूछे मैम, अगर वो सी टर्मिनस के अगर नंबरिंग करनी है. आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही सर, दोबारा क्वेश्चन पूछे. ऑक्सीलेंट से वो करेंगे या से वो अमाइनो ग्रुप की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो इस तरफ फिर ये सी टर्मिनस की कार्बोक्सिल ग्रुप से वो स्टार्ट करेंगे नंबरिंग. मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन. पियानो बज रहे हैं. पियानो बज रहा है बिल्कुल. तो क्वेश्चन एक दफा रिपीट करें प्लीज. हाँ जी सर, दोबारा पूछे ताकि इसके बाद हम नेक्स्ट. मैम मैंने कहा कि ये जो सी टर्मिनस है इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट? नंबरिंग हमेशा एक ही एंड से स्टार्ट होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं अमाइनो ग्रुप से नंबर वन स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 और जो लास्ट नंबर मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक टर्मिनस को या सी टर्मिनस को मिलेगा. तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि आपके पास जैसे यहाँ पे आप आर चेन्स पे देख सकते हैं R1, R2, R3 and R4 कि हमेशा फर्स्ट अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप फ्री होता है. वो किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड में अपना जो रोल है वो प्ले नहीं करता या उसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता. सो फर्स्ट अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप फ्री है तो आपने इस अमाइनो एसिड को वन कहना है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. और ये वाला जो आपका सी टर्मिनस है बेसिकली दिस बिलोंग्स टू द लास्ट अमाइनो एसिड. सो नंबरिंग हमेशा एक एंड से स्टार्ट होती है और दूसरे एंड पे खत्म होती है. इट डजंट मीन कि आप कार्बोक्सिलिक टर्मिनस एंड से भी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. मैं यहाँ पे अमाइनो एसिड की नंबरिंग की बात कर रही हूँ, साइड चेन की नंबरिंग की बात नहीं कर रही. इससे पहले जो आपने नंबरिंग देखी थी वो एक अमाइनो एसिड की नंबरिंग थी, लेकिन यहाँ पे मैं पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमाइनो एसिड्स के नंबर की बात कर रही हूँ कि पहला अमाइनो एसिड कौन सा है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. क्लियर है सर? जी मैम. ओके, सो इसके बाद हमने ये चीज देखी थी कि अमाइनो एसिड्स के बजाय जो प्रोटीन्स का एसिड बेस बिहेवियर है वो डिफरेंट है, क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर सारे के सारे ग्रुप्स जो है वो आयोनाइजेबल नहीं है. सिर्फ वो ग्रुप जो कि फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, लाइक यहाँ पे अमाइनो टर्मिनस, कार्बोक्साइल टर्मिनस, और अगर आपके पास साइड चेन में कोई एसिडिक या बेसिक ग्रुप है तो सिर्फ वो जो है वो आयोनाइजेशन का प्रोसेस शो करेंगे और वो उस प्रोटीन का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है या उस प्रोटीन का एसिड या बेसिक बिहेवियर है उसको डिसाइड करने में हेल्पफुल होंगे. जबकि अमाइनो एसिड के केस में हमने ये देखा था कि चूंकि अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो अमाइनो एसिड में आपके पास अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों ही जो है वो एसिड बेस बिहेवियर शो कर रहे थे. लेकिन प्रोटीन्स के अंदर हम ये देखते हैं कि वो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप
और वो अमाइनो ग्रुप विच आर द पार्ट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड दैट डजंट कंट्रीब्यूट इन द नेट एसिड बेस बिहेवियर ऑफ प्रोटीन. हमेशा जो फ्री फॉर्म में अमाइनो ग्रुप है या फ्री फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, चाहे वो एन टर्मिनस के एन टर्मिनस से बिलोंग करते हैं, सी टर्मिनस से बिलोंग करते हैं या फिर वो साइड चेन से बिलोंग करते हैं, सिर्फ यही प्रोटीन की आयोनाइजेशन और प्रोटीन की एसिडिटी या बेसिक बिहेवियर की तरफ जो है अपना रोल प्ले करेंगे. क्लियर है बच्चों? सो अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स के अंदर एक पॉइंट ये भी डिफरेंट है कि यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व है, जो पेप्टाइड बॉन्ड में ग्रुप्स हैं, ये उस प्रोटीन के एसिड या बेसिक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे, उसे डेविएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आयोनाइज नहीं हो सकते. इज इट क्लियर? मैम ये पॉइंट दोबारा बता दें. ये पॉइंट दोबारा बता दें, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब भी किसी प्रोटीन के अंदर, लाइक अगर आप अमाइनो एसिड वाले टॉपिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे आपने ये पॉइंट डिस्कस किया होगा, वहां पे ये पॉइंट देखा होगा कि हमेशा अमाइनो एसिड के पास हमने दो जो आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं उनको ऑब्जर्व किया था. एक आपके पास, लाइक अगर यहाँ पे आप अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को देखें, अमाइनो एसिड वाली स्लाइड शो हो रही है, दिस वन. अमाइनो एसिड्स के केस में आपके पास दो आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं, दिस बेसिक ग्रुप एंड दिस एसिडिक ग्रुप, और ये दोनों ग्रुप जो हैं ये एसिड या बेसिक बिहेवियर को डिटरमिन करने में अपना रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दोनों के पास पोटेंशियल है कि वो या तो प्रोटॉन को लूज कर सकते हैं या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, यानी दोनों ग्रुप्स आयोनाइज हो सकते हैं. लेकिन यही रूल अगर हम अप्लाई करें प्रोटीन्स के ऊपर, तो प्रोटीन्स के केस में हम ये कह रहे हैं कि वो सारे के सारे अमाइनो ग्रुप या वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो कि पेप्टाइड बॉन्ड का पार्ट है, जो कि फ्री नहीं है, जो पेप्टाइड बॉन्ड में इनकॉर्पोरेट है, ये आयोनाइज नहीं हो सकते. और अगर ये आयोनाइज नहीं हो सकते, इट मीन्स कि इन पे ना तो नेगेटिव चार्ज आ सकता है और ना ही ये अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में जा सकते हैं. इट मीन्स कि ओवरऑल ये प्रोटीन का जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर है उसे डिसाइड करने में अपना रोल प्ले नहीं करेंगे. सिर्फ जो फ्री फॉर्म में अमाइनो ग्रुप है, ये वाला अमाइनो ग्रुप या अगर कोई अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप साइड चेन में अवेलेबल है वो, सिमिलरली फ्री फॉर्म में जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, चाहे वो सी टर्मिनस पे है या चाहे वो साइड चेन का पार्ट है, सिर्फ यही आयोनाइज हो सकते हैं और यही ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि प्रोटीन के एसिड या बेसिक बिहेवियर को डिटरमिन करेंगे. क्लियर है? यस मैम. ओके. सो इसके बाद हमने कुछ पेप्टाइड्स की एग्जांपल देखी थी. पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि बेसिकली टू और द थ्री अमाइनो एसिड्स मिलके भी समटाइम कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें एक एस्पार्टेम की एग्जांपल थी विच इज अ डाइपेप्टाइड मेकअप ऑफ द टू अमाइनो एसिड एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन एंड इट इज बेसिकली अ मिथाइल ईस्टर ऑफ दीज टू अमाइनो एसिड. और स्टिल ये जो है वो अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है कि ये एक फ्लेवर इम्पार्ट करता है, एक स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, खास तौर पे जो फूड इंडस्ट्री है वहां पे. सिमिलरली हमने ये कहा था कि प्रोटीन्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, लाइक अगर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स के अलावा कोई और ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो उस प्रोटीन को हम कहेंगे कि दिस इज बेसिकली अ सिंपल प्रोटीन, यानी इसमें अमाइनो एसिड के अलावा और किसी भी किस्म का कोई ग्रुप कोई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है. सिमिलरली अगर प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स के अलावा कोई और ग्रुप भी प्रेजेंट है तो हम उसे सिंपल प्रोटीन नहीं कहेंगे बल्कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहेंगे, और जो नॉन प्रोटीन पोर्शन होगा उसे हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप. क्लियर है बच्चों? प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो अमाइनो एसिड्स के अलावा जो नॉन प्रोटीन पोर्शन होगा उसको हम एक ब्रॉडर कैटेगरी में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे. लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर वो प्रोस्थेटिक ग्रुप लिपिड्स हैं तो हम इनकॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स को लिपोप्रोटीन्स कह देंगे, अगर वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है तो उस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे. यानी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स को फर्दर सब क्लासीफाई करने के लिए हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की बेस पे उन्हें क्लासीफाई करते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप को देखते हुए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं. इज इट क्लियर मैम? ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स इसका लूजली बाउंड होगा, राइट? कार्बोहाइड्रेट लूजली या स्ट्रॉन्गली बाउंड के हवाले से मैं आपको नहीं बता रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्रोटीन के अलावा कोई और ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, ये उसका नॉन प्रोटीन पोर्शन ही होगा ना? बिल्कुल नॉन प्रोटीन पोर्शन होगा, एंड नॉन प्रोटीन पोर्शन इन केस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इज कार्बोहाइड्रेट.
ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मेटेलो प्रोटीन क्या है, या सिंपली अगर मैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात करती हूँ, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का स्टार्ट आप यहाँ से लेंगे कि ये वो प्रोटीन है जिसमें आपके पास अमाइनो एसिड्स के अलावा कोई एडिशनल ग्रुप्स हैं, और फर्दर इनको फिर क्लासिफाई करेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप हम इनको फर्दर इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, मेटेलो प्रोटीन, और सिमिलरली आप बाकी जो कैटेगरीज हैं उनमें विद एग्जाम्पल इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का ये सारे का सारा प्रोटीन का वो पोर्शन है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कुछ हद तक कवर किया था। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज होंगी तो आई होप के अब तक वो रिजॉल्व हो गई होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर्स को पढ़ने से पहले ये चीज आप लोगों को रिवाइज कराना जरूरी था। तो आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है, इट इज अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग बेसिकली जो फोर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो फोर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन हैं, या प्रोटीन को अल्टीमेटली अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो एक स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, वो किस तरह से ग्रेजुअली प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शरी, और अल्टीमेटली टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, ये बेसिकली इस लेक्चर के एंड में आज हम कंक्लूड करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अब पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होता क्या है। अगर मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सपोज एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि यहाँ पे लाइसोसोम एक ऐसा एंजाइम है जो कि अटैक करता है बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसे डीग्रेड करता है, एंड दिस कंटेन 129 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप लोगों के पास सिर्फ अमाइनो एसिड्स का जो नंबर है वही मैटर नहीं करता, अमाइनो एसिड का जो काउंट है वही मैटर नहीं करता, बल्कि इसके अंदर आपके पास अमाइनो एसिड का एक खास या पर्टिकुलर सीक्वेंस में होना भी इम्पोर्टेंट है। लाइक ये पेंट की फाइल शो हो रही है आप लोगों को? जी मैम। ओके, अगर मैं आप लोगों से कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक आप लोगों के पास है लाइसोसोम, और लाइसोसोम के बाद आपके पास जो है, बल्कि यहाँ पे इंसुलिन की नॉर्मली कर लेते हैं, इंसुलिन के अलावा आप लोग कोई दूसरी और प्रोटीन बता दें, ग्लूकागोन, दोनों हार्मोन्स है बेसिकली, इसी तरह से कोई और थर्ड प्रोटीन अगर बता दें। सपोज मैं आप लोगों से कहती हूँ, ये मैं आप लोगों के सामने सपोज नंबर्स लिख रही हूँ, कि इंसुलिन इज अ प्रोटीन या इंसुलिन इज अ हार्मोन, जो कि बेसिकली एक प्रोटीन ही है, प्रोटीन की कैटेगरी में आती है, बिकॉज वी नो कि मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर पेप्टाइड इन नेचर, अमाइनो एसिड से मिलकर बने थे। सो सपोज इंसुलिन के अंदर 50 अमाइनो एसिड है, 51 अमाइनो एसिड, क्या इन 51 अमाइनो एसिड्स, एक तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है दिस वन, के एक पर्टिकुलर प्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास ना सिर्फ प्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को एक्सप्लेन करती है, बल्कि उन अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फर्स्ट वन, जब भी आप लोगों से प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात होगी तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपने इन दो पॉइंट्स को माइंड में रखना है, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का आप लोग तब तक अंदाजा नहीं लगा सकते, तब तक आप लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट या डिटरमिन नहीं कर सकते, जब तक आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन ना हो। इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन अ प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन के केस में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आज ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है दैट इंसुलिन कंटेन 51 अमाइनो एसिड। ठीक है, ना सिर्फ हमें अमाइनो एसिड्स का काउंट पता है, बल्कि हमें यह भी पता है कि उन 50 अमाइनो एसिड्स में से पहली पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड है, सिमिलरली थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। लाइक 50 अमाइनो एसिड्स में से सपोज फर्स्ट पोजीशन पे यू हैव अ ग्लूटामिक एसिड, सेकेंड पोजिशन पे यू हैव फिनाइल एलानिन, थर्ड पोजिशन पे यू हैव ग्लाइसिन, फोर्थ पोजिशन पे यू हैव एस्पार्टिक एसिड। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी हमें अमाइनो एसिड्स के नंबर के अलावा उन अमाइनो एसिड्स की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसका भी आइडिया हो जाता है आफ्टर डिटरमिनिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि प्रोटीन्स का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, या इसको डिटरमिन करना जरूरी क्यों है, आप लोगों के ख्याल में ऐसा क्यों है? मैम, कोई भी म्यूटेशन डिटेक्ट करने के लिए और प्राइमरी स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी होता है।
वेरी गुड. किसी भी म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए, किसी म्यूटेशन को म्यूटेशन के इफेक्ट को समझने के लिए आप लोगों को प्राइमरी स्ट्रक्चर का आइडिया होना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के पास जो है वो किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसी इंसुलिन आइडेंटिफाई हुई है जिसके अंदर 50 अमीनो एसिड्स है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देयर इज अ डिलीशन ऑफ वन अमीनो एसिड, जिसकी वजह से जो आपके पास एक नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल है उसकी इंसुलिन और एक जो एबनॉर्मल या डिजीज पर्सन है उसकी इंसुलिन ये डिफरेंट तरीके से एक्ट करेगी बिकॉज इनके अंदर एक अमाइनो एसिड की डिलीशन है. सो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको किसी भी प्रोटीन के अंदर मौजूद अमाइनो एसिड्स के नंबर के बारे में बताता है. सिमिलरली नंबर के अलावा आपके पास सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स भी मैटर करती है. सपोज ये जो मैंने आप लोगों के पास एक ऑर्डर लिखा है, दिस ऑर्डर is basically this belong to a healthy subject. कि एक normal insulin जब किसी healthy person के अंदर produce होती है तो उसके अंदर हमेशा first position पे glutamate होता है, second position पे phenylalanine, third position पे glycine and fourth position पे aspartic acid. Similarly सारे के सारे जो 51 amino acids हैं उनकी एक खास sequence होगी. अगर during the formation of insulin inside the body हमारे ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म में किसी किस्म का कोई चेंज आ रहा है या हमारी जीन के अंदर किसी किस्म की म्यूटेशन आ रही है और उस म्यूटेशन का इफेक्ट ये हो रहा है कि थर्ड पोजीशन पे जो ग्लाइसिन है ये ग्लाइसिन रिप्लेस हो गया सपोज एलानिन के साथ, इट मींस के प्रोटीन की जो थर्ड पोजीशन के ऊपर अमाइनो एसिड नॉर्मली एग्जिस्ट करता है अब वो अमाइनो एसिड चेंज हो गया. इट माइट पॉसिबल कि ये अमाइनो एसिड चेंज होने की वजह से उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर और उस प्रोटीन का अल्टीमेटली जो फंक्शन है वो भी चेंज हो जाए. सो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो हमेशा हमें उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, उस प्रोटीन के फंक्शन को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है. बिकॉज जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिजॉल्व कर लेते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है कि इस प्रोटीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं और उन अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस क्या है. यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. Okay. So primary structure हमारे लिए इस तरह से important हो गया कि इसके through हमें amino acid का number और amino acid की जो unique sequence है उसका idea हो गया. इसके साथ साथ आप लोगों ने ये information भी बता देनी है कि amino acid की sequence हमारे लिए basically important क्यों है. Importance of the primary structure of protein को अगर आप देखेंगे तो इसमें आप लोग justify इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे अभी आप लोगों में से किसी एक student ने बताया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का पता होना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको देखते हुए हम किसी भी किस्म की जो म्यूटेशन है या किसी भी किस्म की डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्लियर? इसके अलावा प्राइमरी सीक्वेंस को डिटरमिन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसको बेस बनाते हुए हम लोग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्रिडिक्ट कर सकते हैं. लाइक अगर हम आज ये कहते हैं कि हमारा जीनोम, एक ह्यूमन का जीनोम जो है वो चिंपैंजी के जीनोम से 90% सिमिलर है, इट मीन्स के हमारे जीनोम के अंदर जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की उस सीक्वेंस को हमने कंपेयर किया है विद द सीक्वेंस ऑफ द जीनोम ऑफ चिंपैंजी. ऐसे ही है ना? Yes, और कंपैरिजन के बाद उनके अंदर सिमिलैरिटीज को देखते हुए हमने ये कहा है कि जिन दो ऑर्गेनिजम्स का जीनोम एक दूसरे से ज्यादा मिलता जुलता है, जिन दो ऑर्गेनिजम्स के जीनोम में ज्यादा रिजेम्बलेंस है, ये एवोल्यूशनरी एक दूसरे से ज्यादा मिलते जुलते हैं. ठीक है? दे आर होमोलोग. इसी तरह से आप लोग अगर जो है वो प्रोटीन की सीक्वेंस को देखें और प्रोटीन की सीक्वेंस को कंपेयर करें एक ऑर्गेनिज्म को, एक स्पीशी के ऑर्गेनिज्म को दूसरी स्पीशी के ऑर्गेनिज्म के साथ, तो दिस प्रोटीन की प्रोटीन सीक्वेंस की जो इंफॉर्मेशन है ये आप लोगों को आइडिया प्रोवाइड करेगी अबाउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज. क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. तो प्राइमरी सीक्वेंस की इम्पोर्टेंस आप लोग इन दो से तीन पॉइंट्स में कवर करेंगे कि इसके थ्रू आप एक डिजीज फीनोटाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि समटाइम्स म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन उसे लूज कर देती है. तो आप एक म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन का इफेक्ट ऑन दी प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन फंक्शन उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लाइक अगर यहाँ पे आप ग्लाइसिन को एलानिन से रिप्लेस करेंगे तो इस एलानिन के चेंज की वजह से बेसिकली प्रोटीन के स्ट्रक्चर या फंक्शन पे क्या चेंज आ रहा है हमें वो पता चल सकता है. ठीक है? सिमिलरली म्यूटेशन जो है वो हमें इस तरह से डिजीज पर्सन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करेंगी. और इसके अलावा जो हमने सेकंड पॉइंट कवर किया है
फॉर्म ने ये पॉइंट कवर किया कि बेसिकली जितनी भी जो म्यूटेशंस हैं ये एवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करने में या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्पफुल है. और अल्टीमेटली हां जी मैम, क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर में म्यूटेशन नहीं आ सकती? आ सकती है, जरूर आती है. पहले हमने पढ़ा था कि नॉर्मल जो होता है ना उसके साथ हम अगर म्यूटेटेड को करें कंपेयर, तो नॉर्मल क्या हमें मतलब कि होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या है, और फिर हम किसी भी म्यूटेटेड का अंदाजा लगा सकते हैं. तो क्या जो प्राइमरी है उसके अंदर म्यूटेशन नहीं आ सकती? देखें, आप लोगों के पास अगर आपने किसी म्यूटेशन को स्क्रीन करना है, आपने एक ऑर्गेनिज्म की जो प्रोटीन है उसको लेके तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं ना करना, आप मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को लेंगे. और अगर म्यूटेशन किसी एक या दो ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रही है तो इट डजंट मीन कि पूरी पॉपुलेशन के अंदर वो म्यूटेशन है. बात समझ रहे हैं आप इस चीज को कंफ्यूज कर रहे हो ना कि अगर आपने इस प्रोटीन की प्राइमरी सीक्वेंस ली है तो वो म्यूटेटेड भी हो सकती है, लेकिन म्यूटेशन जो है वो हमेशा 90% पॉपुलेशन में नहीं होती. तो जब भी हम प्राइमरी सीक्वेंस करते हैं किसी प्रोटीन की तो हमेशा सैंपल साइज को ज्यादा रखते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द चांसेस ऑफ म्यूटेशन. और उसके बाद जो मैक्सिमम पॉपुलेशन के अंदर जो प्रोटीन सीक्वेंस आएगी उसे हम वाइल्ड टाइप या नेटिव सीक्वेंस कहते हैं, और जो मिनिमम पॉपुलेशन के अंदर आएगी फॉर एग्जांपल 2% या 3% सैंपल्स के अंदर उसे हम कहते हैं कि दिस माइट बी अ म्यूटेटेड सीक्वेंस. क्लियर है बच्चों? यस मैम. ओके, आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोगों के साथ मेरा फर्स्ट लेक्चर था या सेकंड लेक्चर था तो उसमें मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने आप लोगों को स्निप्स के बारे में पढ़ने को कहा था, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, याद है? नो मैम. मैंने आप लोगों से कहा था कि स्निप्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है कि ये बेसिकली क्या होता yes, है. so, अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग ये चीज देख के आइएगा, या क्विज के बाद जो आप लोगों का प्रोटीन का बेसिकली क्विज होगा ना, उससे पहले मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट ये दूंगी जिसमें आपने सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ना है और इनकी जो टाइप्स हैं, ये बेसिकली क्या है, ये म्यूटेशंस हैं. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ये जीन्स के अंदर म्यूटेशंस हैं जिनकी वजह से अल्टीमेटली जो है वो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है उसमें चेंज आ जाता है. यानी आपके पास म्यूटेशन अल्टीमेटली जीन में हो रही है और उसका इफेक्ट अपीयर कहाँ पे हो रहा है, प्रोटीन के अंदर. ठीक है, तो ये इंशाल्लाह इनको कवर करने के बाद, इन फोर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को कवर करने के बाद मैं एक लेक्चर में आप लोगों के साथ, लेकिन पहले आप लोग पहले पढ़ के आएंगे स्निप्स के बारे में, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये चीज जो है वो डिस्कस करूंगी कि किस तरह से जीन के अंदर जो म्यूटेशन है वो अल्टीमेटली प्रोटीन को चेंज कर सकती है. जी मैम, म्यूटेशंस आई हैं, ये कॉज ऑफ म्यूटेशंस है, ये म्यूटेशंस है. अच्छा ठीक है, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर में अब आप लोगों को किसी किस्म की अगर कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ मूव करें. यस मैम, नेक्स्ट की तरफ मूव करें. ओके, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज जो मैं आप लोगों के सामने या एक पॉइंट जो मैं क्लियर करना भूल गई हूँ, दिस वन इज कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं स्टेबलाइजिंग फोर्सेस जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को एक खास सीक्वेंस के अंदर होल्ड करके रखती हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट, फिनाइलएलानिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड, इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हमें किसी किस्म की कोई फोर्स जो है वो नजर नहीं आ रही. ऐसे ही है ना कि अगर हम ये देखते हैं कि ग्लूटामिक एसिड इज लिंक्ड विद द फिनाइलएलानिन एंड फिनाइलएलानिन इज लिंक्ड विद द ग्लाइसिन एंड ग्लाइसिन इज लिंक्ड विद द एस्पार्टिक एसिड, तो इनके दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे होगा बिटवीन ग्लूटामिक एसिड एंड फिनाइलएलानिन, सेकंड पेप्टाइड बॉन्ड आपके पास यहाँ पे होगा बिटवीन फिनाइलएलानिन एंड ग्लाइसिन, और थर्ड पेप्टाइड बॉन्ड इस पोजीशन के ऊपर होगा. सो हम कह सकते हैं कि अगर स्टेबलाइजिंग फोर्सेस की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमें सिर्फ एक किस्म की फोर्सेज नजर आ रही हैं, एंड द नेम ऑफ दीज फोर्सेज आर पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा यहाँ पे किसी किस्म की भी कोई भी जो स्टेबलाइजिंग फोर्स है वो प्रेजेंट नहीं है. सिमिलरली ये वाला एंड आपके पास एन टर्मिनस होगा और ये वाला एंड आपके पास सी टर्मिनस होगा, दिस वन. क्लियर है बच्चों? यस मैम. अब अगर ये हमारे पास जो लीनियर चेन है पॉलीपेप्टाइड की, जिसमें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे फोर अमाइनो एसिड्स और इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड्स ड्रॉ किए हैं,
ये लीनियर चेन क्या इसी तरह से इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी या ये अपने ऊपर जो है वो फोल्ड हो सकती है या एक जो है वो फर्दर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा सकती है. तो यस इट इज पॉसिबल. हमेशा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इस तरह से लीनियर और एक्सटेंडेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि पॉलीपेप्टाइड चेन का जो एन और सी टर्मिनस है ये बेसिकली ये एक फ्लेक्सिबल चेन है. और फ्लेक्सिबल चेन कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह से अपने ऊपर फोल्ड होके अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट का जो स्ट्रक्चर है इसको एक्वायर कर सकती है. ठीक है, सो आपके पास एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, लेकिन उस पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर डिवेलप होंगे उन्हें हम कहते हैं कि दीज आर दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन. ठीक है बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने अमाइनो एसिड्स के नंबर और अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस की बात की है, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हम जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है या जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी अपॉन अ पर्टिकुलर एक्सिस जो फोल्डिंग है उसको ऑब्जर्व करेंगे. अभी भी आपके पास जो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक ही होगी. ये टर्मिनस इसका एन टर्मिनस होगा और ये टर्मिनस इसका सी टर्मिनस होगा. लेकिन यहाँ पे जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस फॉर्म में या सेकेंडरी स्ट्रक्चर के केस में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपनी एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो फोल्ड हुई हुई है. उसने अपने स्ट्रक्चर के ऊपर अपने एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर अपने आप को जो है वो कॉइल करना शुरू कर दिया. सो दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. और इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा कुछ एडिशनल फोर्सेस भी अपना रोल प्ले करेंगे. सो मूविंग टुवर्ड द फर्स्ट टाइप ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच इज बेसिकली द अल्फा हेलिक्स. सो अपने माइंड में इस चीज को पहले से क्लियर रखिएगा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली हमारे पास वी हैव ओनली अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये सिर्फ फोल्ड हो रही है, उसके अलावा इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा. सो जो स्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं उनको डिस्कस करने से पहले आप लोग सिंपली इस स्ट्रक्चर को देखें, दिस वन, ये जो आप लोगों के पास है अल्फा हेलिक्स. स्लाइड शो हो रही है सबको? यस मैम. स्ट्रक्चर को अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो बेसिकली आप लोगों के पास दिस वन, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, पेंट की फाइल शो हो रही है? नो मैम. यस मैम, आप बोल रही है. यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि सपोज ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, दिस अल्फा हेलिक्स पोर्शन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, इसके अंदर हमारे पास अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये अमाइनो एसिड्स आपस में अभी भी पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक है. यहाँ पे ये पोर्शन अगर आप देखें कि आपके पास जो एक अमाइनो एसिड है दिस वन, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नेक्स्ट अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ लिंक होगा. ये आपके पास बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ये अल्फा कार्बन एटम है, जिसके पास यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, आर ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है. ऐसे ही है ना, अमाइनो ग्रुप जो है वो आगे किसी अमाइनो एसिड के साथ लिंक होगा और इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ये फर्दर अमाइनो एसिड के साथ जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. सो बेसिकली यहाँ से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अल्फा हेलिक्स में जो बैकबोन है, बैकबोन हम हमेशा उस बॉन्ड को कहते हैं या उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि बेसिकली यहाँ पे इस लीनियर फॉर्म के अंदर जो बॉन्ड्स होंगे उनको हम कहेंगे कि दीज आर दी पार्ट ऑफ दी बैकबोन स्ट्रक्चर. सो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पे, जो हमें पेप्टाइड बॉन्ड नजर आ रहा है, दिस बॉन्ड सी एंड एन बॉन्ड, दिस इज द पार्ट ऑफ बैकबोन. क्योंकि ये लीनियर चेन के अंदर हम इसे जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसके अंदर जो है वो अल्फा हेलिक्स को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट है. लाइक पहली चीज जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की कि अल्फा हेलिक्स बेसिकली क्या है, अल्फा हेलिक्स इज द टाइप ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन जिसमें आपकी जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपॉन अ पर्टिकुलर एक्सिस इस तरह से कॉइल होना शुरू हो जाती है और आफ्टर कॉइलिंग वो एक स्पाइरल अरेंजमेंट में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है और इस स्पाइरल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दिस इज द अल्फा हेलिक्स, दिस वन. इस अल्फा हेलिक्स के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो बेसिकली हमें अमाइनो एसिड्स के जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो बैकबोन में नजर आ रहे हैं. दीज सी एंड एन बॉन्ड दीज आर द पार्ट ऑफ बैकबोन. सो बैकबोन इज मेड अप ऑफ made up of peptide bond.
जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आप लोगों को पेप्टाइड बॉन्ड्स के अलावा एक और बॉन्ड भी नजर आ रहा है एंड दिस इज बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि इस स्पाइरल अरेंजमेंट को या इस जो कॉइल टाइप स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन करके रखेगा. अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट ना करे तो ये जो यहाँ पे लूप नजर आ रहा है आपको या हेलिक्स नजर आ रहा है ये दोबारा से अपनी लीनियर फॉर्म या एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन में दोबारा आ सकता है. यानी ये जो आप लोगों को कॉइलिंग नजर आ रही है ये इस तरह से दोबारा से ओपन हो सकती है, इस फॉर्म में आ सकती है. लेकिन अगर इसको इस फॉर्म में मेंटेन रखना है, इस हेलिकल फॉर्म में इसको मेंटेन रखना है, तो उसके लिए आपको किसी किस्म की स्टेबलाइजिंग फोर्स की जरूरत है. और यहाँ पे उस स्टेबलाइजिंग फोर्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बेसिकली जो हमारे पास एक अमाइनो एसिड्स का जो अमाइनो ग्रुप है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड का पार्ट है उसका हाइड्रोजन एटम, और दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड का जो ऑक्सीजन है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली यहाँ पे इस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को जो है वो मेंटेन रखने में अपना रोल प्ले करेगी. तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हमें एक और किस्म की बॉन्डिंग नजर आ रही है एंड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन ग्रुप्स के दरमियान है, उन्हीं ग्रुप्स के दरमियान है जो कि ऑलरेडी पेप्टाइड बॉन्ड का पार्ट है. यानी पेप्टाइड बॉन्ड में जो आपके पास हाइड्रोजन है विच इज अटैच टू दी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज अटैच टू दी कार्बन, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान आपके पास बेसिकली आप ऑब्जर्व करें कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है. क्लियर है बच्चों? मैम एक क्वेश्चन है. हाँ जी पूछे. मैम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो पोलर मॉलिक्यूल पोलर अमाइनो एसिड्स के बिटवीन होती है. जी बिल्कुल, तो पोलर अमाइनो एसिड्स के बीच में. इंसुलिन में सिर्फ पोलर अमाइनो एसिड्स ही होंगे, नॉन पोलर नहीं होंगे उसके स्ट्रक्चर में? ऐसा नहीं है. एक प्रोटीन के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो पोलर ही होंगे, बल्कि ऐसा भी होता है कि हमारे पास देयर आर दी सर्टेन प्रोटीन्स जिनके कुछ पार्ट्स में जो पोलर अमाइनो एसिड्स हैं और आगे जाके नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं. जो पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को, जैसे मैंने आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के टाइम बताया था कि वो अपने आप को एक पर्टिकुलर कोर के अंदर जो है वो छुपा लेते हैं, या वो अपनी फोल्डिंग के दौरान उन हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स को जो है वो कोर के अंदर जो है वो मिनिमम जहाँ पे उनका जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी का चेंज है वो मिनिमम होगा, वहां पे उन्हें लोकेट करके रखेंगे. सो पोलर अमाइनो एसिड सरफेस के ऊपर आ जाएंगे और जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वो अंदर कोर में छुप जाएंगे, जिसकी वजह से वो सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं. दीज आर द टाइप्स ऑफ इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट के साथ नहीं हो रही, बल्कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है. और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर आप लोग नोटिस करें साइड चेन इन्वॉल्व नहीं है. जी मैम, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइड चेन की वजह से नहीं है. सो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर साइड चेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इनके अंदर जो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है बेसिकली उन्हीं के दरमियान इंटरेक्शन डेवलप हो रही है. प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी. मतलब मैम के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर मॉलिक्यूल के साथ ही होगी, आप इन बिटवीन जो हो रही है अमाइनो एसिड्स के दरमियान होगी, अमाइनो एसिड्स के दरमियान होगी. और यहाँ पे बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना बेसिकली ये अमाइनो एसिड कौन सा अमाइनो एसिड, उसका अमाइनो ग्रुप किस अमाइनो एसिड के कार्बोनाइल ग्रुप के आमने सामने आएगा, ये चीज डिसाइड करती है. तो बेसिकली ऑन द कैलकुलेशन हम इस चीज पे पहुंचे हैं या इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हमेशा जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो नेक्स्ट फोर्थ अमाइनो एसिड के सामने आएगा. बिकॉज यहाँ पे जब आप इस टर्निंग पॉइंट को देखते हैं तो ये जब यहाँ पे इस तरह से टर्न लेगा तो एक से दो अमाइनो एसिड यहाँ पे इस टर्न में भी आएंगे. इसी तरह से ये जो फोर्थ अमाइनो एसिड है इसका कार्बोनाइल ग्रुप इसको फेस करेगा, इस अमाइनो ग्रुप को. तो हमेशा वो ग्रुप जिनके जो फंक्शनल एटम्स हैं, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पोटेंशियल है, जब वो एक दूसरे के सामने आएंगे उनके दरमियान बॉन्ड डिस्टेंस इतना होगा कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने,
तो तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे नहीं बनेगी, क्योंकि हमने पहले ये चीज डिस्कस की हुई है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर हाईली डायरेक्शनल इन नेचर, और इसके अलावा दे आर डिपेंडेंट अपॉन डिस्टेंस. तो जितना ज्यादा जोन सा मॉलिक्यूल जो है वो अप्रोच कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर को या हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर को, उन्हीं के दरमियान बॉन्ड बनेगा, बाकी ग्रुप्स के दरमियान बॉन्ड नहीं बनेगा. तो यहाँ पे आपने ये चीज भी क्लियर रखनी है कि इसमें साइड चेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. लाइक अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर या अल्फा हेलिक्स के अंदर साइड चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, तो आप कहेंगे नो, बिकॉज यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप ट्रेस कर सकते हैं कि साइड चेन में अगर कोई ऐसा ग्रुप है भी है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पोटेंशियल रखता है, तो उसके सामने आगे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके साथ उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं. तो ये आर ग्रुप्स बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से दिखाए गए हैं, लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रक्चर में से इस तरह से प्रोजेक्ट हुए होते हैं, यानी यहाँ पे ये अमाइनो ग्रुप से इस तरह से आउटवर्ड या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये जो है ये प्रोजेक्ट हुए होंगे. ये लीनियरली इस तरह से बैकबोन का पार्ट नहीं होंगे, बैकबोन में आपको सिर्फ जो है वो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नजर आएंगे. जी ठीक है जी मैम. यस. तो अल्फा हेलिक्स के बाद आप लोगों के पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, दिस इज बीटा शीट, दिस वन. अब यहाँ पे भी आपके पास जो है वो एक चीज आपने माइंड रखनी है कि यू हैव ओनली अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है और उस पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग हो रही है. फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहती हूँ कि यू हैव अ पॉलीपेप्टाइड चेन और इसकी ये आपके पास एन टर्मिनस है और ये आपके पास है सी टर्मिनस. तो आपके पास दो ऑप्शन है बीटा शीट के केस में कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग, इसकी फोल्डिंग इस स्पाइरल फॉर्म में या अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होने की बजाय इसने सिंपल जो है इस तरह की फोल्डिंग की है. इसका ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे दिस वन इस तरह से और फिर ये कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में. यानी एक जो आपके पास ग्रुप है एन टर्मिनस वो फेस कर रहा है सी टर्मिनस को. दिस इज द एन टर्मिनस ऑफ द प्रोटीन एंड दिस इज द सी टर्मिनस ऑफ प्रोटीन. यानी फोल्डिंग उस स्पाइरल फॉर्म में होने की बजाय या एक एक्सिस में होने की बजाय लीनियर फॉर्म में या पैरेलल या एंटी पैरेलल फॉर्म में जो बीटा आपके पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो एक दूसरे को फेस करना शुरू हो गए. सो अगर इस तरह की आपके पास सिचुएशन डेवलप हो जिसमें आपके पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में कन्वर्ट होने की बजाय लीनियर फॉर्म में ही रहे लेकिन सिर्फ उसके जो एक्टिव ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करें, सो यहाँ पे आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस पैटर्न में आपके पास जो है वो दोबारा से वो ग्रुप्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पोटेंशियल है ये एक दूसरे को फेस करेंगे. और अगर ये एक दूसरे को फेस करेंगे इट मीन्स कि इनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी और ये स्ट्रक्चर अपने इस फॉर्म में लॉक हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने इसे यहाँ पे स्टेबलाइज कर दिया. सो जस्ट लाइक द अल्फा हेलिक्स जहाँ पे आपके पास एक कॉमन एक्सिस है और पॉलीपेप्टाइड चेन उस एक्सिस के अराउंड एक कॉयल की फॉर्म में एक जो है वो लूप की फॉर्म में जो है वो रैप होना शुरू हो जाती है दिस वन, आपके पास एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन भी है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन rather than to coil ये क्या करती है एक extended conformation में ही रहती है और उसी conformation में जो groups हैं उनके दरमियान hydrogen bonding develop हो जाती है. so beta sheet में आपके पास दो options हैं, या तो एक ही polypeptide के दरमियान develop हो सकती है ये hydrogen bonding, या sometimes ऐसे भी होता है कि हमारे पास जो hydrogen bonding है वो दो या दो से ज्यादा जो polypeptide chains हैं उनके दरमियान बन जाए like this one and this one. आपके पास एक polypeptide chain है उसका N terminus और this is the C terminus and you have a second polypeptide chain उसका N terminus और फिर उसका C terminus एक दूसरे को face करें और इनके दरमियान जो groups हैं वो आपस में hydrogen bonding कर लें. इस तरह की जो hydrogen bonding होगी उसे हम कहेंगे this is the parallel hydrogen bond. parallel अब मैं यहाँ पे किस base पे से कह रही हूँ because यहाँ पे जो दोनों polypeptide chains हैं जो hydrogen bonding करने जा रही हैं इनकी orientation same है, दोनों के N टर्मिनस और C टर्मिनस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. इट मींस यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये एंड हो रही है, इनके एंड और इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन को इन्वर्ट कर दूं लाइक यहाँ पे आपके पास जो सेकेंड पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका सी टर्मिनस और यहाँ पे दूसरी तरफ आपके पास जो सेकेंड पॉलीपेप्टाइड चेन है इसका N टर्मिनस फेस कर रहा है, सो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कि दिस इज द एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन.
यानी जो सेम ग्रुप है वो एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे या सेम ग्रुप से एक दूसरे के आमने सामने नहीं है बल्कि ऑपोजिट एंड्स जो है दे आर फेसिंग टू ईच अदर. तो इस तरह के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब डेवलप होंगे बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे एंटी पैरेलल बीटा शीट. क्लियर है बच्चों? जी मैम, ये पैरेलल बॉन्डिंग भी सेकेंड स्ट्रक्चर में होती है कि नहीं? हाँ जी, दोनों तरह की बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर. तो दोनों के अंदर, दोनों तरह के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें जो एक कॉमन पैरामीटर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि इन दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर साइड चेन्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल है. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन ग्रुप्स के दरमियान बनती है? बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन. सो इनके इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड? इन दोनों में से जो स्टेबल स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ऊपर. जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगी, जितना ज्यादा उसके अंदर जो है वो काउंट होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो ही उसकी स्टेबिलिटी को डिटरमिन करेगा. सो प्रोटीन के अंदर, एक प्रोटीन से दूसरी प्रोटीन के अंदर जो है ये वेरिएबल अमाउंट में जो है वो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स प्रेजेंट होती है. लाइक अगर मैं इंसुलिन की बात करती हूँ तो हो सकता है इंसुलिन में जो मैक्सिमम अमाइनो एसिड्स हैं उनकी ये एबिलिटी है कि वो अल्फा हेलिक्स का पार्ट होंगे, उसमें बीटा शीट्स नहीं होंगी. तो वहां पे जितना भी इसकी स्टेबिलिटी में रोल होगा वो अल्फा हेलिक्स का होगा. तो ये एक प्रोटीन से दूसरी प्रोटीन में वेरी करता है. ओके मैम. सो नेक्स्ट आपके पास अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स की अगर सैलिएंट फीचर्स की बात करें, इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो आप लोगों को समझ में आ गई है कि किस तरह से बनेगी. हमेशा जो अल्फा हेलिक्स की बैकबोन है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स आएंगे. पेप्टाइड बॉन्ड्स आने का मकसद ये है कि उस पोर्शन के अंदर या अल्फा हेलिक्स के अंदर ना तो हाइड्रोजन एटम आएगा और ना ही आर चेन आएगी. लाइक अगर आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो वी ऑल नो कि जो कार्बन है इट इज अ टेट्रावेलेंट एटम, और इसमें जो हमारे पास इसकी जो फोर वैलेंसीज हैं उसमें ये वाला ग्रुप, दिस दिस एंड दिस. अगर हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मैम नहीं शो हो रहा, अगर हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ये कहते हैं कि कार्बन के ये जो फोर ग्रुप्स हैं जो कि इसके साथ अटैच होंगे बेसिकली, इसमें से ये वाला ग्रुप जो है ये यहाँ पे टुवर्ड द प्लेन ऑफ द रीडर, यानी ये बेसिकली मेरे पास जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड. यानी पेपर पे ड्रॉ करने के लिए हम बेसिकली इसको इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो ग्रुप्स हैं ये स्पेस के अंदर, इनके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं बेसिकली ये इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि इसमें से एक ग्रुप जो है ये टुवर्ड्स रीडर होता है और जो दूसरा ग्रुप है बेसिकली वो आउटसाइड या बैकवर्ड डायरेक्शन में बेसिकली होता है. ये कॉन्सेप्ट है ना आप लोगों को, स्पेस में ये किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, ये इनका जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है. बच्चों आप लोगों की आवाज नहीं आ रही? यस मैम. ये तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो काइरल कार्बन है बेसिकली इसमें ये वाले जो दो बॉन्ड्स हैं, दिस वन, ये जो अमाइनो ग्रुप है और कार्बोनाइल ग्रुप है, ये तो इस बैकबोन का या इस पॉलीपेप्टाइड चेन का या इस अल्फा हेलिक्स का पार्ट होंगे. लेकिन जो हाइड्रोजन और आर ग्रुप्स हैं बेसिकली ये इस पॉलीपेप्टाइड चेन में, ये यहाँ पे आप लोगों को जिस तरह से दिखाया गया है ये उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि हाइड्रोजन जो है ये इस कार्बन के पीछे वाली साइड से बाहर की तरफ को निकला होता है. जबकि आर ग्रुप की आप बात करें तो आर ग्रुप बिल्कुल सामने टुवर्ड्स द रीडर आएगा. यानी अगर हम इसकी टेट्रावेलेंसी की बात करें तो जो आपके पास ये जो स्पाइरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कॉइल टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो अल्फा हेलिक्स है, इस अल्फा हेलिक्स के अंदर आपके पास सिर्फ ये अमाइनो ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप और ये काइरल कार्बन ही एग्जिस्ट करेगा. हाइड्रोजन और आर ग्रुप जो है वो इस बैकबोन का पार्ट नहीं है, ये इस बैकबोन से या तो पीछे वाली साइड पे या आगे वाली साइड पे प्रोजेक्ट हुए होते हैं. तो हमेशा इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा कि अल्फा हेलिक्स में हमेशा जो बैकबोन है इट इज मेड अप ऑफ बाय पेप्टाइड बॉन्ड. साइड चेन हमेशा बाहर की तरफ को एक्सटेंड हुई होती है. जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि साइड चेन उस कॉइल का पार्ट नहीं है, उस अल्फा हेलिक्स का पार्ट नहीं है, बल्कि ये बैकवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हुई होगी.
सिमिलरली जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अभी हम लोगों ने बात किया है, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि क्या हर अमाइनो एसिड जो है वो हर दूसरे अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पोटेंशियल रखता है? नो. हमारे पास जो अल्फा हेलिक्स है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हमेशा वो फर्स्ट अमाइनो एसिड का फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ बनता है. सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा हेलिक्स जिनको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि बैकबोन में कौन से ग्रुप्स हैं, इनकी स्टेबिलाईजिंग फोर्सेस कौन सी हैं, एक टर्न के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स आते हैं, और बेसिकली इन अमाइनो एसिड्स की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो किन किन ग्रुप्स के दरमियान बनता है. यहाँ पे आप एक वर्ड देखते हैं पिच, दिस वन नजर आ रहा है सबको? पिच बेसिकली हम एक जो टर्न है, एक जो अल्फा हेलिक्स की टर्न है उसकी लेंथ को कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कहती हूँ कि इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर की पिच कितनी होगी, तो अगर आप किसी एक अल्फा हेलिक्स या सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो टर्न है उस टर्न की लेंथ को आइडेंटिफाई करें, यानी इस पोर्शन की आप लेंथ को कैलकुलेट करें, तो ये कॉन्स्टेंट रहेगी. बच्चों ये किसका माइक है? इसकी लेंथ को अगर आप आइडेंटिफाई करें तो बेसिकली आपके पास जो लेंथ आएगी दिस वन एक हेलिक्स की, और दूसरा जो आप लोगों का टर्न आएगा दूसरे टर्न की जो लेंथ होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी. इट मींस कि अल्फा हेलिक्स हमेशा आपके पास एक ग्रेजुअल वे में रिपीट होता है. इट डजंट मीन कि आपके पास जो पहला टर्न है उसकी लेंथ ज्यादा है और दूसरे टर्न की लेंथ जो है वो कम है. आप स्मूथ यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करें कि जितनी लेंथ आपके पास इस टर्न की है उतनी ही लेंथ आपके पास सेकेंड टर्न की है. इट मीन्स कि जो अल्फा या सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो अपने आप को एक कांस्टेंट वे में रिपीट करते हैं, इनमें किसी भी किस्म का जो चेंज है वो नहीं आता. ये चीज आप लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर जैसा आप लोगों को यहाँ से ये टर्न स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है एंड तक उतनी ही लेंथ में ये खत्म हो रहा है. इट मीन्स कि इसमें जो लेंथ है जो एक टर्न की जो पिच है बेसिकली, अब मैं यहाँ पे लेंथ की बजाय पिच का वर्ड यूज करूंगी बिकॉज जब भी हम किसी अल्फा हेलिक्स के अंदर एक टर्न की लेंथ की बात करते हैं तो बेसिकली हम उसको कहते हैं पिच. इट मींस कि ये कांस्टेंट है. तो आपके पास ना सिर्फ यहाँ एक पैरामीटर जो मैंने बताया है कि जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें जो बैकबोन है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताई है कि इसकी जो स्टेबिलाईजिंग फोर्सेज है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तीसरी बात आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि हमेशा यहाँ पे जो पिच होगी अल्फा हेलिक्स की वो कांस्टेंट रहेगी, यानी अल्फा हेलिक्स में जो हर एक टर्न है उस हर टर्न की लेंथ दूसरे टर्न से मिलती जुलती होगी, और इस जो पिच है इसको हम कांस्टेंट वैल्यू असाइन करते हैं, दिस इज 0.54 नैनोमीटर या फिर 5.4 ऑंगस्ट्रॉम. ठीक है. सिमिलरली एक टर्न के अंदर आने वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी अमाउंट भी कांस्टेंट है. लाइक हमेशा आप लोगों से जैसे मैंने कहा है कि फर्स्ट अमाइनो एसिड फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पोटेंशियल रखता है. सो एक टर्न के अंदर नॉर्मली जो अमाइनो एसिड्स आते हैं वो भी कांस्टेंट होते हैं, लाइक 3 अमाइनो एसिड्स कंप्लीट और जो आप लोगों के पास फोर्थ अमाइनो एसिड है उसका आधा पोर्शन एक टर्न के अंदर बेसिकली आएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप लोगों को एक अमाइनो एसिड दिखाया गया है. इसी तरह से आप लोग अगर नेक्स्ट ये जो बैक साइड में आप लोगों को नजर आ रहा है सेकेंड अमाइनो एसिड यहाँ पे होगा, थर्ड अमाइनो एसिड और 3.5, यानी एक ये जो टर्न कंप्लीट हुआ है दिस दिस एंड दिस, इस टर्न के अंदर बेसिकली आपके पास टोटल 3.5 या 3.6 अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होंगे, यानी 3 कंप्लीट अमाइनो एसिड और एक अमाइनो एसिड जो है वो हाफ इस टर्न का हिस्सा होगा. सो दीज आर दी कॉन्स्टेंट फीचर्स ऑफ अल्फा हेलिक्स जो के हम एक प्रोटीन से दूसरी प्रोटीन और दूसरी प्रोटीन और उससे तीसरी प्रोटीन को जब एनालाइज करते हैं तो वहां पे ये पैरामीटर्स हमें कांस्टेंट नजर आते हैं, यानी कभी भी हमने इन पैरामीटर्स में किसी किस्म की कोई डेविएशन ऑब्जर्व नहीं की. दैट्स व्हाई हम इन्हें कहते हैं कि दीज आर दी कांस्टेंट फीचर्स ऑफ अल्फा हेलिक्स. बच्चों यहाँ पे कोई क्वेश्चन? नो मैम. ओके मैम बस. हाँ जी बस ये नेक्स्ट स्लाइड है और उसके बाद आगे. मैम नहीं मैम प्लीज बस करें. पैरेलल एंड एंटी पैरेलल बीटा शीट्स का सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लें, उसके बाद इंशाल्लाह टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल बीटा शीट में जैसे मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया कि बेसिकली हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनकी ओरिएंटेशन
उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो बीटा शीट्स बनेंगी वो शीट्स पैरेलल होंगी या एंटी पैरेलल होंगी. सो इफ यू हैव टू और द मोर बीटा शीट्स जो के सेम डायरेक्शन में है, सेम ओरिएंटेशन में है, यानी उनके एंड टर्मिनस और सी टर्मिनस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो इस तरह की जो आपके पास बीटा शीट्स होंगी उन्हें हम पैरेलल बीटा शीट्स कहेंगे. जबकि ऐसी बीटा शीट्स जिनके अंदर आपके पास जो ऑपोजिट एंड्स हैं दे आर फेसिंग टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल एक पॉलीपेप्टाइड चेन का एंड टर्मिनस दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के सी टर्मिनस को फेस कर रहा है. सो इस तरह की जो आपके पास चेन्स होंगी उनके दरमियान जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी तो इसे हम कहेंगे दिस इज द एंटी पैरेलल बीटा शीट. ठीक है. सो ये दो पैरामीटर्स हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स. इन दो स्ट्रक्चर्स को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं.